नमस्कार, आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आशा है कुछ लोग जुड़ गए होंगे इस काव्य गोष्ठी के साथ। तो अगर आप जुड़ गए हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है तो फिर आप कमेंट करें ताकि मैं शुरू करने में मुझे आसानी जाएगी। अगर कुछ लोग जुड़ गए हैं तो कृपया करके कमेंट करें। हाँ, मंजू आंटी जुड़ गई हैं। नमस्कार, नमस्कार आंटी, आप हर बार मेरे प्रोग्राम में आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आवाज साफ है ना, इसके बारे में भी मैं एक आध कमेंट अगर मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आवाज साफ है। गुड मॉर्निंग अजय चौहान जी, गुड मॉर्निंग अंजलि श्रीवास्तव जी, और मंजू आंटी लिख रही है कि आवाज आ रही है। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आवाज आ रही है। तो फिर जो है शुरू करती हूँ मैं अपनी कविताओं का सिलसिला, जैसे कि मैं हर रविवार को करती हूँ सुबह 11 बजे। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं वो लोग हर रविवार 11 बजे इस गो लाइव शो के साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं वहीं से जहां पे मैंने कल खत्म किया था कि जुगनुओं से अल्फाज नज्मों को खूबसूरती से सजाते हैं। जुगनुओं से अल्फाज नज्मों को खूबसूरती से सजाते हैं। चमक उठती है रूह भी धीरे धीरे, चमक उठती है रूह भी धीरे धीरे, और तब ये सारे जहां में रोशनी फैलाते हैं, और तब ये सारे जहां में रोशनी फैलाते हैं। तो साथियों, आज जो मैं कविताएं पेश करने जा रही हूं ये है मेरे काव्य संग्रह एहसासे रूह में से। इसी की कुछ कविताएं मैंने पिछले संडे भी पेश की थी और कुछ चुनिंदा कविताएं आज यहाँ आपके सामने ला रही हूँ। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि मेरी, अच्छा, कई लोग और जुड़ गए हैं। अखिलेश कुमार सिंह गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग अखिलेश जी। अंजलि जी लिख रही हैं, जी बिल्कुल साफ है, थैंक यू। मनोज जी हाय जुड़ गए हैं, वो भी हाय लिख रहे हैं, हाय। सरिता भी जुड़ गई हैं, ये भी नमस्कार मैम लिख रही हैं, ये भी हमारे साथ लगभग हर बार जुड़ती हैं, थैंक यू सरिता। अनीता हाय लिख रही हैं, हाय अनीता, गुड मॉर्निंग डियर लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग। अंजलि जी तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और रेनू भी जुड़ गई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग रेनू, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो है शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। सबसे पहले एक फोर लाइनर, पैसों से क्या क्या खरीदोगे, एहसास मोहब्बत ईमान। पैसों से क्या क्या खरीदोगे, एहसास मोहब्बत ईमान। दौलत पर इतना गुरूर ठीक नहीं, वो तो है पल दो पल की महिमा। दौलत पे इतना गुरूर ठीक नहीं, वो तो है पल दो पल की महिमा। तो पेश है मेरी कविता एहसास। रेनु खुश हो रही है और मुझे हग्स दे रही है, हग्स टू यू आल्सो रेनु। तो पेश है मेरी कविता एहसास। कुछ शहरों की हवाओं में एहसास कभी थे ही नहीं, और चलते हैं लोग बिना सोचे समझे और जाने, जैसे वो हो कोई मशीन। कुछ शहरों की हवाओं में एहसास कभी थे ही नहीं, और चलते हैं लोग बिना सोचे समझे और जाने, जैसे वो हो कोई मशीन। कुछ शहरों की हवाओं में एहसास मर चुके हैं, चेहरे अजनबी हो गए हैं, दिल दिलों से नहीं जुड़ते, और इंसान की जगह नजर आते हैं पत्थर। कुछ शहरों की हवाओं में एहसास मर चुके हैं, चेहरे अजनबी हो गए हैं, दिल दिलों से नहीं जुड़ते,
और इंसान की जगह नजर आते हैं पत्थर। किंतु कुछ शहरों की हवाओं में आज भी सर्द रातों में एहसासों में नमी आ जाती है, जिगर में दर्द बसता है और जहन में मोहब्बत। कुछ शहरों की हवाओं में आज भी सर्द रातों में एहसासों में नमी आ जाती है, जिगर में दर्द बसता है और जहन में मोहब्बत। ऐ मौला, मेरी तो छोटी सी इल्तिजा है। ऐ मौला, मेरी तो छोटी सी इल्तिजा है, इल्तिजा यानी रिक्वेस्ट। मेरे दिल में वो नमी वाला शहर हरदम बसने देना। मेरे दिल में वो नमी वाला शहर हरदम बसने देना। तो आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों ने इस बीच कमेंट किया है, तो इन कमेंट्स को लेते हैं। परमेश्वर बंसोड़े जी ज्वाइन किए हैं, आज शायद आप पहली बार ज्वाइन किए हैं, आपका स्वागत है। आगे भी हर संडे 11 बजे आप ज्वाइन करें। मोती राम जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। रेनू मिश्रा बहुत खूब लिख रही है, शुक्रिया। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, नमस्ते, जय श्री राधे राधे, नमस्ते। मंजू रानी आंटी लिख रही है, वाह सही, बहुत शुक्रिया। नंदलाल जी तालियां बजा रहे हैं, सरिता तालियां बजा रही है और अंजलि जी भी तालियां बजा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जो कि थोड़ी सूफियाना है, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, बस क्षण भर का है ये डेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, बस क्षण भर का है ये डेरा। क्यों फंस जाते हैं हम माया जाल में, क्यों फंस जाते हैं हम माया जाल में। शरीर तो है सिर्फ रूह का बसेरा, शरीर तो है सिर्फ रूह का बसेरा। यशवंत त्रिपुरे जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये मेरे कलीग थे जब मैं आरडीएसओ में पोस्टेड थी, लिख रहे हैं, वेरी नाइस मैम, थैंक यू यशवंत जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है कतरा हूं मैं। मौला, कतरा हूं मैं, हाँ कतरा ही तो हूं मैं। ऐ मौला, कतरा हूं मैं, हाँ कतरा ही तो हूं मैं। तू इधर से फूंक मारता है, मैं उधर को चल देता हूं। तू उधर से फूंक मारता है, मैं मिट्टी में मिल जाता हूं। न मेरी कोई हस्ती है, न मेरी कोई हैसियत है, बस कतरा हूं मैं। गली गली फिरता हूं, एक बंजारा बन गया हूं। क्या ढूंढता हूं मैं, क्या है मंजिल मेरी। न पता न ठिकाना न कोई मेरी अहमियत, बस कतरा हूं मैं, बस कतरा हूं मैं। तू ही मुझे बनाने वाला, तू ही मुझे मिटाने वाला, तू ही मेरा अजीज, तू ही मेरी मंजिल। मुझ में तुझे खोजता हूं मैं, तुझ में मुझे खोजता हूं मैं, मुझ में तुझे खोजता हूं मैं, तुझ में मुझे खोजता हूं मैं, बस कतरा हूं मैं, बस कतरा हूं मैं। ऐ मौला, कतरा हूं मैं, बस कतरा ही तो हूं मैं। सही है ना, हमारी जिंदगी एक दिन की सी तो है, और कब आते हैं कब चले जाते हैं, बस हम एक पॉपअप की तरह जो है कुछ समय के लिए आते हैं और फिर बुझ जाते हैं, और पता नहीं इतने में हम अपने आप को क्या क्या सोचने लगते हैं। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको लेते हैं। नंदलाल जी लिख रहे हैं, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू नंदलाल जी। यशवंत जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस मैम, बहुत शुक्रिया। अनीता जी लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अनीता। अनु जो कि मेरी बचपन की सहेली है, वो हेलो लिख रही है, उसने भी ज्वाइन किया है, थैंक यू डियर अनु। अंजलि जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। अनु तालियां भी बजा रही है। रूपाली जो कि मेरी बचपन की दोस्त है, वो भी लिख रही है, वेरी नाइस लाइंस, थैंक यू रूपाली। और सरिता जो कि हर प्रोग्राम में जुड़ती हैं, वो भी लिख रही हैं, अवसन। तो आप सबका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर,
परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। जिंदगी तेरे रूप गई मुझे भाए तेरा हर एक रंग, जिंदगी तेरे रूप गई मुझे भाए तेरा हर एक रंग, कभी मैं डूबू तेरे रस में कभी मैं झूलू तेरे संग, कभी मैं डूबू तेरे रस में कभी मैं झूलू तेरे संग। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है ग्रहण। शायद तुमने देखा होगा आज ग्रहण के दिन भी चांद के रुखसार पर हसीन सा नूर था, शायद तुमने देखा होगा आज ग्रहण के दिन भी चांद के रुखसार पर हसीन सा नूर था। ये कविता मैंने दोस्तों तब लिखी थी जिस दिन सुपर मून कहा गया था और एक बहुत बड़ा सा ग्रहण हुआ था जिसमें हमको चांद के चारों तरफ एक गोल्डन लाइन दिख रही थी। पोयम है, शायद तुमने देखा होगा आज ग्रहण के दिन भी चांद के रुखसार पर हसीन सा नूर था। चांद जानता है कि एक ग्रहण के होने मात्र से हिजर की रात नहीं आती, हिजर यानी बिछड़ना। चांद जानता है कि एक ग्रहण होने के मात्र से हिजर की रात नहीं आती, बल्कि विसाल और हिजर, विसाल यानी मिलना, बल्कि विसाल और हिजर चांद के आकार से बिल्कुल नहीं होते। किस्मत से अधिक जोर होता है जहन में छुपे एहसासों का, किस्मत से अधिक जोर होता है जहन में छुपे एहसासों का, और अगर सच्ची ख्वाहिश हो तो विसाल और हिजर का कोई महत्व ही नहीं बचता। आखिर विसाल तो दिल का होता, किस्मत से अधिक जोर होता है जहन में छुपे एहसासों का, और अगर सच्ची ख्वाहिश हो तो विसाल और हिज्र का कोई महत्व ही नहीं बचता, आखिर विसाल तो दिल का। तो ये थी मेरी कविता ग्रहण। कुछ कमेंट्स आए हैं, अजय सिंह जी लिख रहे हैं वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। अंजलि जी को भी पोयम पसंद आई, बहुत शुक्रिया। दीप सक्सेना जी ने भी ज्वाइन किया है, लिख रही है नमस्ते दी, दीप्ति सक्सेना, नमस्ते दीप्ति, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया और आशा है आपको मेरी कविताएं पसंद आएंगी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर जिसका शीर्षक है तुम्हारी राहें, परंतु उससे पहले एक फोर लाइन। न मिली खुशी हवाओं में, न मिली खुशी सदाओं में, न मिली खुशी हवाओं में, न मिली खुशी सदाओं में, जब अपनी रूह के अंदर झांका, पर जब अपनी रूह के अंदर झांका, खुशी बिछी मिली राहों में। कभी कभी अपने रूह के अंदर झांकना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ कमेंट्स हैं, अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया अंजलि जी। दीप लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। यशवंत जी लिख रहे हैं शानदार अल्फाज मैम, बहुत शुक्रिया। योगेंद्र मिश्र जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये भी हर बार ज्वाइन करते हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। रणधीर रहबर ने भी ज्वाइन किया है और लिख रहे हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मेरे ज्वाइन करने के लिए। शायद आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंजलि जी तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो ये जो मेरी कविता है या नज्म इसे कह लें, इसमें कुछ उर्दू के भी लफ्ज हैं तो उनका मतलब मैं बताने की कोशिश करूंगी जो टफ वर्ड्स होंगे। तुम्हारी राहें, मैं कोई मुसव्वर नहीं, मुसव्वर यानी पेंटर, कि अपने रंगों में तुम्हें रंग दूं। मैं कोई मुसव्वर नहीं कि अपने रंगों में तुम्हें रंग दूं। मैं कोई तरखान नहीं कि अपनी तकलीक में तुम्हें ढाल दूं। तरखान यानी कारपेंटर और तकलीक यानी क्रिएशन। मैं कोई तरखान नहीं कि अपनी तकलीक में तुम्हें ढाल दूं। कोई पैंबर नहीं कि तुम्हारे सर पर हाथ रख दूं। मैं कोई मौजा नहीं तुम्हें तब्दील कर दूं, मौजा यानी मिराकल।
मैं कोई मुसव्वर नहीं कि अपने रंगों में तुम्हें रंग दूं, मैं कोई तरखान नहीं कि अपनी तकलीफ में तुम्हें ढाल दूं, मैं कोई पैंबर नहीं कि तुम्हारे सर पर हाथ रख दूं, मैं कोई मौजा नहीं कि तुम्हें तब्दील कर दूं। सुनो, मैं अपनी जिंदगी को खुद टटोलना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद टटोलना होगा, अपनी रूह के अंदर दफन हुए जोश को आवाज देनी होगी, अपने हिस्से के तूफानों से का सामना करने के लिए तुम्हें खुद बन जाना होगा एक मल्ला, और अपनी जिंदगी की कश्ती को ले जाना होगा किनारों तक। तुम्हें अपनी जिंदगी को खुद टटोलना होगा, अपनी रूह के अंदर दफन हुए जोश को आवाज देनी होगी, अपने हिस्से के तूफानों को सामना करने के लिए तुम्हें खुद बन जाना होगा एक मल्ला, और अपनी जिंदगी की कश्ती को ले जाना होगा किनारों तक। एक दिन वो भी आएगा जब तुम बन जाओगी एक शाहकार, शाहकार यानी मास्टरपीस। एक दिन वो भी आएगा जब तुम बन जाओगी एक शाहकार। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई मुश्किल आती है, हम सोचते कोई हमारी मदद कर देगा, परंतु किसी से मदद जो मिलती है वो तो टेम्परेरी फिनोमेना होती है, वो हरदम नहीं मिल सकती, और हरदम आप किसी को खोज भी नहीं सकते। तो अपने अंदर ही इतनी हिम्मत होती है कि शायद हमें किसी की जरूरत नहीं होती है, इस बात को समझ लेना चाहिए और अपने अंदर की शक्ति को, अपनी रूह को आवाज देना चाहिए, तो किसी भी मुश्किल को सामना करना मुश्किल नहीं होता। तो जो है, कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको यहाँ पढ़ते हैं। सरिता जी लिख रही हैं, क्या बात, बहुत शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, शुक्रिया। संजय जी नमस्कार भी लिख रहे हैं। योगेंद्र मिश्र जी लिख रहे हैं, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी को भी पोएम बहुत पसंद आई और वो भी बहुत सुंदर लिख रही हैं, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। सरिता जी भी लिख रही हैं, करेक्ट मैम, थैंक यू। संजय जी लिख रहे हैं, खुद बन जाना होगा मल्ला, बढ़िया संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के ये जो कमेंट्स हैं, वही तो मुझ में जोश भरते हैं कि मैं लिखूं और आपके सामने अपनी कविताएं सुनाऊं। रूपाली लिख रही है, बहुत सही कहा, बहुत शुक्रिया। सरिता लिख रही है, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत शुक्रिया। तो इसी बात को आगे ले जाते हैं मेरी अगली कविता में, जिसका शीर्षक है जरूरी, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। मन में है झरने के पानी सी ताकत, बहाव रोके न रुकता है कहीं। मन में है झरने के पानी सी ताकत, बहाव रोके न रुकता है कहीं। जब ठान लेता है मन कुछ पाने की, राहें खुल ही जाती हैं। नहीं, जब ठान लेता है मन कुछ पाने की, राहें खुल ही जाती हैं। नहीं, अगर आप झरने को देखें ध्यान से, तो उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि दुनिया की कोई शक्ति उसे बहने से नहीं रोक सकती। तो अपने अंदर किसी चाहत को, ख्वाहिश को उसी की तरह बना लेना चाहिए, और तब वो राह हासिल करना, वो मंजिल हासिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं बचेगा। अंजलि जी थम्स अप लिख रही हैं, थैंक यू। यशवंत जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर कविता, बहुत शुक्रिया। तो पेश है मेरी कविता जरूरी। इससे पहले मंजू आंटी लिख रही हैं, हारिए ना हिम्मत, विसरिए ना हरी नाम। सही कहा, बहुत सही कहा मंजू आंटी। तो मेरी कविता जरूरी। बंधने के लिए बिखरना जरूरी है, जुड़ने के लिए टूटना जरूरी है। बंधने के लिए बिखरना जरूरी है, जुड़ने के लिए टूटना जरूरी है। साबित मर्तबान से कहाँ कोई उम्मीद, चमकने के लिए फूटना जरूरी है। साबित मर्तबान से कहाँ कोई उम्मीद, चमकने के लिए फूटना जरूरी है। ये दो लाइन वो जापान की टेक्निक पे है, जब उनका कोई पॉट टूट जाता है तो उसे फेंकते नहीं है, एक गोल्डन पाउडर से उसे जोड़ देते हैं, और वो ओरिजिनल फ्लावर पॉट से भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो आगे बढ़ते हैं।
कौन मनाता है किसी खुश दिल को, मनाए जाने के लिए रूठना जरूरी है। कौन मनाता है किसी खुश दिल को, मनाए जाने के लिए रूठना जरूरी है। हरदम संग होते तो इश्क ना होता, मोहब्बत के लिए रूठना जरूरी है। हरदम संग होते तो इश्क ना होता, मोहब्बत के लिए दूर होना जरूरी है। रूह की खोज यूं ही नहीं खत्म होती, खुदा पाने के लिए मिटना जरूरी है। रूह की खोज यूं ही नहीं खत्म होती, खुदा पाने के लिए मिटना जरूरी है। यूं ही नहीं रहती मसरूर नीलम, खुश होने के लिए रोना जरूरी है। यूं ही नहीं रहती मसरूर नीलम, खुश होने के लिए रोना जरूरी। तो आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। सरिता जी लिख रही हैं, चमकने के लिए उगना जरूरी है। सही कहा आपने। और सरिता जी वाह वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया सरिता जी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जीने लगी हूं पल पल में। परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। लम्हे कहां बहुत है पर मैं जिंदगी बटोर रही हूं। लम्हे कहां बहुत है पर मैं जिंदगी बटोर रही हूं। पल पल की मिठास यूं चूसती हूं जैसे मैं जन्मों की चोर रही हूं। पल पल की मिठास यूं चूसती हूं जैसे मैं जन्मों की चोर रही। तो सच है, पता नहीं लम्हे ये कब गुजर जाएंगे, कब जिंदगी शुरू हुई है, कब खत्म हो जाएगी, किसको पता होता है। परंतु जब तक है, हर लम्हे का, हर पल का लुत्फ उठाते रहना चाहिए। और मैं इसी में विश्वास भी रखती हूँ और ऐसे ही करती भी हूँ। जो लोग मेरे करीबी हैं वो लोग इस बात को जरूर जानते होंगे। तो दीप लिख रही है, वेरी इंस्पायरिंग दीप, थैंक यू दीप। यशवंत जी लिख रहे हैं, दिल को छूने वाला संदेश, बहुत शुक्रिया। इमरान जी ने भी ज्वाइन किया है और शानदार लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और वाजीवाल लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। शंकर सिंह परियार जी, जो कि मेरे कलीग हैं यहाँ पे, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, वो लिख रहे हैं बहुत सुंदर, अभिनंदन, बहुत शुक्रिया आपका। ओम प्रकाश मिश्रा जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। इमरान चावली जी फिर से लिख रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, जीने लगी हूं पल पल में। ना कोई जुस्तजू ना कोई आरजू, जीने लगी हूं पल पल में। मैं झूमती मोरनी चाल मेरी मोहिनी, झरने की हूं कलकल में। मस्तानी है राहें फैली है बाएं, जिंदगी के पल रेशम से, सूरज से रोशनी चंदा से चांदनी, मौसम में थिरकती सरगम है। हर लम्हे में सुकून जीने का है ये जुनून, खुशी से हुई आसमानी में। महकी है हर सांस करार की है तलाश, जी रही हूँ अपनी जिंदगानी में, जी रही हूँ अपनी जिंदगानी में। तो ये थी मेरी कविता। कुछ कमेंट्स आए हैं, संजय जी लिख रहे हैं, मनाए जाने के लिए रूठना जरूरी है, खुदा पाने के लिए मिटना जरूरी है, स्पिरिचुअल मैसेज। यस, इट वाज अ स्लाइटली स्पिरिचुअल मैसेज एंड आई एम ग्लैड कि यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। रश्मि जैन ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं, वो लिख रही हैं बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच। संजय कुमार गुप्ता जी फिर से लिख रहे हैं, फोर लाइनर एज ऑलवेज गुड। तो लोगों के मेरे फोर लाइनर बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार एक फोर लाइनर जरूर इंक्लूड करूँ। मंजू आंटी लिख रही हैं, वाह वाह, बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो जो है अगली कविता जो है, बीते हुए लम्हे, इसका शीर्षक है। ये मैंने 2017 जब खत्म हो रहा था उस साल लिखी थी, तो थोड़ी पुरानी है, परंतु बातें तो हरदम नई होती हैं और वही होती हैं, है ना। तो कविता के पहले एक फोर लाइनर, क्योंकि अभी अभी संजय जी ने कहा है कि फोर लाइनर उनको पसंद आते हैं। जिंदगी चलती ही जाएगी, कुछ बिसरी बातें याद आएंगी, कुछ बातें याद बन जाएंगी, जिंदगी चलती ही जाएगी।
एक बार फिर, जिंदगी चलती ही जाएगी, कुछ बिसरी बातें याद आएंगी, कुछ बातें याद बन जाएंगी, जिंदगी चलती ही जाएगी। तो प्रस्तुत है मेरी कविता बीते हुए लम्हे। कुछ कमेंट है, संजय जी लिख रहे हैं, जीने लगी हूँ पल पल में, सिंपल स्वीट एंड रिदम। थैंक यू सो मच, कोशिश तो मेरी यही थी। तो पेश है कविता बीते हुए लम्हे। गुलाबी सी ठंडक दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और मैं आराम से चारपाई पर पड़ी सुस्ता रही थी। आकर अचानक कहा, सुनो मैं जा रहा हूं। गुलाबी सी ठंडक दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और मैं आराम से चारपाई पर पड़ी सुस्ता रही थी कि तुमने अचानक आकर कहा, सुनो मैं जा रहा हूं। क्वेश्चन को मैं विस्मित सी तुम्हें देखती ही रह गई। तुमसे बहुत लगाव था मुझे, आखिर कितना कुछ दिया था तुमने मुझे। मुझे याद आने लगे वो लम्हे, मैं हारी हुई सी तुम्हारी गोदी में सर रखकर फूट पड़ी थी और अविरल आंसुओं की झड़ी मेरे आंखों से गिरने लगी थी। नहीं तो मेरे गेसुओं को सहलाते हुए कहा था, तुम में है दम, तुम बढ़ सकती हो, तुम उड़ सकती हो, तुम जीत सकती हो। याद आने लगे वो लम्हे जब मैं हारी हुई सी तुम्हारी गोदी में सर रखकर फूट पड़ी थी और अविरल आंसुओं की लड़ी मेरे आंखों से गिरने लगी थी। तुमने ही तो मेरे गेसुओं को सहलाते हुए कहा था, तुम में है दम, तुम बढ़ सकती हो, तुम उड़ सकती हो, तुम जीत सकती हो। 2017, ये सन 2017 की बात है। 2017, तुमने मुझे कितना कुछ सिखाया, कितना कुछ दिया और जुदाई की इस बेला में मैं बड़ी रुआंसी सी तुम्हारा हाथ पकड़े हुए खड़ी हूं। जानती हूं ये कि तुमको जाना ही होगा शायद, मेरी जिंदगी में और कई साल आएंगे पर तुम जैसा कोई ना होगा। जानती हूं ये कि तुमको जाना ही होगा शायद, मेरी जिंदगी में और कई साल आएंगे पर तुम जैसा कोई ना होगा। तो ये थी मेरी कविता, आशा है आपको पसंद आई होगी। रूपाली लिख रही है, ओल्ड इज गोल्ड, यस, पुरानी बातें हरदम बहुत सुंदर होती हैं। इमरान जी लिख रहे हैं, नाइस, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही है, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू मंजू आंटी। तो जो है समय का तो पता ही नहीं चलता है और मैं अपनी आखिरी कविता की ओर अग्रसर हो रही हूँ, परंतु इस पोएम से पहले एक फोर लाइनर। फिरता रहा मुसाफिर सुकून की तलाश में, कहां जानता था वो सुकून तो है ज़हन के ही पास में। फिरता रहा मुसाफिर सुकून की तलाश में, कहां जानता था वो सुकून तो है ज़हन के ही पास में। इधर कुछ कमेंट्स और आए हैं। सरिता जी लिख रही है, नाइस, थैंक यू सरिता। यशवंत जी लिख रहे हैं, इच्छा शक्ति वर्धक, यस, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी। तो एक और कमेंट है, संजय जी लिख रहे हैं, गुलाबी सी ठंडक नॉस्टैल्जिया, यस, एक्चुअली 2017 में मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, अभी तो पुणे आ गई हूँ, तो नॉर्थ की जो ठंडी है उसको गुलाबी सी ठंडक ही कहा जाता है ना। तो ये जो आखिरी कविता है ये जो है गणपति जी पे है। अभी गणेश फेस्टिवल पास ही आएगा परंतु हम इसे अब उतने जोर शोर से नहीं मना पाएंगे। महाराष्ट्र में तो ये बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और पुणे और मुंबई तो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, परंतु इस बार हम लोग शायद वैसा नहीं मना पाएंगे जैसा हर साल मनाते थे और ना ही मनाना चाहिए, क्योंकि ये महामारी ने हमें बहुत कुछ करने से रोक रखा है, बांध रखा है। परंतु इस पोयम को मैं इसलिए खासकर पेश कर रही हूँ कि यहाँ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ जो 10 दिन गणपति जी को बिठाया जाता है और फिर सिरा दिया जाता है और हमारी जिंदगी से।
कुछ एक कमेंट आया है, अखिलेश कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं, वेरी मच टचिंग लाइंस. थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग. तो पेश है मेरी कविता, हे गणपति जी. हे गणपति जी, वैसे देखा जाए तो बहुत फर्क नहीं है आप में और हम में. हे गणपति जी, वैसे देखा जाए तो बहुत फर्क नहीं है आप में और हम में. गणेश चतुर्थी के दिन आपका भी स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है. हमारे पैदा होने पर भी घर परिवार दोस्त आनंदित हो खुशियों के लड्डू बांटते हैं. गणेश चतुर्थी के दिन आपका भी स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है और हमारे पैदा होने पर भी घर परिवार दोस्त आनंदित हो खुशियों के लड्डू बांटते हैं. आपको भी कुछ दिन पश्चात जाना ही होता है और सिला दिया जाता है आपको पानी में अनंत चतुर्दशी के दिन. हमें भी ये जग छोड़ना ही होता है और हमें जला दिया जाता है लकड़ियों पे मौत के पश्चात. आपको भी कुछ दिन पश्चात जाना ही होता है और सिला दिया जाता है आपको पानी में अनंत चतुर्दशी के दिन. हमें भी ये जग छोड़ना ही होता है और हमें जला दिया जाता है लकड़ियों पर मौत के पश्चात. 10 दिन के बाद लोग आपको भी अगले गणेश चतुर्थी तक भूल जाते हैं और मरने के बाद कहां कोई हमें भी याद करता है. 10 दिन के बाद लोग आपको भी अगले गणेश चतुर्थी तक भूल जाते हैं और मरने के बाद कहां कोई हमें भी याद करता है. शायद फर्क बस इतना ही है. आप अपने भक्तों से बिना किसी आस के ये 10 दिन का सफर पूरा करते हैं. आप अपने भक्तों से बिना किसी आस के साथ ये 10 दिन का सफर पूरा करते हैं और हम अपनी जिंदगी में न जाने किसी से कितनी उम्मीदें लगा बैठते हैं और उन पर अगर वो हमारे करीबी खरे नहीं उतरते पाल लेते हैं अपने मन में रंज और द्वेष जो हमें समय से पहले मार देता. हे गणपति जी, क्यों नहीं हम भी सीख लेते आप ही की तरह जिंदगी को एक कश्ती मान लेना और उसका आना और जाना किनारे पर बैठ आराम से देखना. हे गणपति जी, क्यों नहीं हम भी सीख लेते आप ही की तरह जिंदगी को एक कश्ती मान लेना और उसका आना और जाना किनारे पर बैठ आराम से देखना. तो ये थी मेरी कविता हे गणपति जी. इसमें बस मैंने ये कहा है कि किसी से कोई आस नहीं पालनी चाहिए, बस जिंदगी को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते रहना चाहिए और क्या हो घटित हो रहा है उसको बिना रिएक्शन की तरह देखना चाहिए. इससे बड़ा सुकून मिलता है. तो कुछ कमेंट्स आए हैं तो उनको पढ़ते हैं. नंदलाल जी लिख रहे हैं वेरी वेरी नाइस. मंजू जी मंजू आंटी शुरू के लाइनों पे हंस रही हैं. अनिल जी गुड लिख रहे हैं. सरिता जी लिख रही है बिल्कुल भूल जाते हैं. ये उस बात पे लिख रही हैं कि हाँ हमारे मरने पे शायद लोग बिल्कुल भूल जाते हैं. मंजू आंटी बहुत बढ़िया लिख रही हैं. अंजलि जी को भी पसंद आई. सरिता जी जय गणपति लिख रही हैं. सुशील सिंह जी सुपर लिख रहे हैं. बहुत शुक्रिया सुशील सिंह जी, ज्वाइन करने के लिए भी शुक्रिया. यशवंत जी को भी ये बहुत कविता पसंद आई. और दीप भी लिख रही हैं सुंदर संदेश. तो आप सबको ये कविता पसंद आई तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और आज की सारी कविताएं आपको पसंद आई ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने अच्छे अच्छे संदेश आप लोगों ने भेजे मुझे. और मैं आपसे दो ही रिक्वेस्ट करूंगी. एक, हर संडे को मैं आती हूँ लाइव 11 बजे, तो आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन करें. और दूसरा, मेरी जो नई शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है लाइन्स ऑफ फेट, जो कि बेस्ट सेलर्स में हरदम नंबर 10 के अंदर रहती है और हॉट न्यू रिलीजेस में नंबर 3 के अंदर रहती है, इसको आप जरूर खरीदें. ये फिलहाल किंडल पे कुछ दिनों के लिए 49 रुपीज में है और पेपर पैक एडिशन इसका 179 रुपीज का है. तो आप इसको जरूर खरीदें, पढ़ें और इसके बारे में कमेंट्स अमेजन या गुडरीड्स पे जरूर लिखें और मुझे भी भेज सकते हैं.
सुरेखा ने ज्वाइन किया है जो कि मेरी बहुत अच्छी साथी है और इस प्रोग्राम को आयोजित करने में मेरी मदद करती है। और रादर इसका 80% क्रेडिट सुरेखा को ही है। थैंक यू सुरेखा। विजय जी लिख रहे हैं कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। संजय जी लिख रहे हैं एज ऑलवेज अ ब्यूटिफुल संडे, थैंक यू संजय जी। मनीषा जी हाय लिख रही हैं और मिस्ड लिख रही हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से ये वीडियो तो अवेलेबल रहता ही है, आप उसको फिर से सुन लें। और संडे का दिन बिजी शेड्यूल रहता है सबका, पर उसके बावजूद इतने सारे लोग आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगले संडे 11 बजे। जाते जाते कॉन्फिडेंस पे एक फोर लाइनर पेश करना चाहूंगी कि चलूं तो ऐसे चलूं मैं जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, चलूं तो ऐसे चलूं मैं जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, या फिर ऐसे रखूं कदम कि जैसे मुझे दुनिया की फिक्र ही ना हो, या फिर ऐसे रखूं कदम जैसे मुझे दुनिया की फिक्र ही ना हो। तो आप सबको प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे अगले संडे।